बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन सोशल स्टडीज़ क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सोशल स्टडीज़, सेकेंडरी सोशल स्टडी फॉर क्लास सिक्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड दिस बुक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर वन, आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो मुल्क है वो मैप पे कहाँ है, और इसके अलावा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा कुछ मज़ीद लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड डेल्टा, ये एरियाज़ कौन से हैं, ये भी हमने पढ़ा था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर फोर पर है आपका जो लेसन है आज का। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर फोर। The Deccan is a plateau high and above sea level. This is a fairly dry part of the subcontinent with above 1500 millimeter of rain a year. It is very warm and generally not very fertile for farming. अच्छा, डेक्कन जो है वो एक प्लेट्यू है और हाई है, हाई लैंड है समंदर से ऊपर, और दिस इज़ अ फेयरली ड्राई पार्ट, और ये बिल्कुल खुश्क इलाका है। बर्रे आज़म कहते हैं सब कॉन्टीनेंट, ठीक है, सब कॉन्टीनेंट मीन्स बर्रे आज़म, विद अबाउट 1500 मिलीमीटर, यानी कि बहुत लेस रेन, रेनी एरिया है, बहुत कम बारिश होती है। इट्स वेरी वार्म एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग। अच्छा, ऐसे एरियाज़ जो जहाँ पे बारिश कम होती है और बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे हॉट एरियाज़ हैं और वहाँ पे फर्टिलिटी कम है, लाइक वहाँ पे वेजिटेशन कम है, प्लांटेशन नहीं हो सकती, और एनिमल और ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल कम है। सो शोन बिलो इज अ रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान। यू कैन सी दैट द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ आर वेरी हाई इंडीड। दीज आर यूजुअली कलर्ड वाइट इन रिलीफ मैप्स टू शो दैट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर दे आर कवर्ड इन स्नो। ओके जी, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये एरियाज़ जो कुछ वाइट इसका पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैप में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पार्ट जो है वो शो किया गया है पाकिस्तान का, जो जहाँ पे जो वेरी हाई यानी कि माउंटेनी एरिया है, जहाँ पे डिफरेंट जो हैं चोटियाँ हैं पहाड़ों की, और वहाँ पे क्या है कि वेदर जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, और वहाँ पे अक्सर जो माउंटेन्स हैं अपन कवर्ड विद स्नो। You can also see that large parts of the country are deserts, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है, डेजर्ट है। ये जो ब्राउनिश पार्ट है ये क्या है, ये डेजर्ट्स हैं। In fact, only about 1/3 of Pakistan is suitable for farming and most of that needs irrigation. अच्छा जी, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली हमने हमेशा से सुना कि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वो जो हैं वो गर्म होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है। कुछ ऐसे डेजर्ट्स भी होते हैं जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से प्लांटेशन नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होती। मच ऑफ द नॉर्थ इन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स। पाकिस्तान का जो नॉर्थ है, नॉर्थ और वेस्ट है, वो ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। देर आर लोअर बट वेरी ड्राई माउंटेन्स रेंजेस इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इन बलूचिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान का वेस्ट एंड साउथ वेस्ट है बलूचिस्तान साइड पे, वो मोस्टली पहाड़ी एरिया है। इन द मोर शेल्टर्ड वैली ऑफ दिस रीजन फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड एप्रिकॉट्स आर ग्रोन। और इसकी जो शेल्टर्ड वैली है, लाइक जो ग्रीनिश पार्ट है, वहाँ पे मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या हैं, वो एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एप्रिकॉट्स हैं। द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली हाई लैंड व्हिच गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। इट इज़ ऑफ लिटिल यूज़ फॉर क्रॉप फार्मिंग। पीपल हियर ऑफन हैव हर्ड्स ऑफ शीप एंड गोट्स, एंड इन द ड्राइयर सीजन्स हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड फॉर द एनिमल्स। एज वी स्टडी ऑन द प्रीवियस पेज, पेज नंबर थ्री, अबाउट नोमैडिक पीपल, ठीक है, मैंने आपको नोमैड्स के बारे में बताया था कि जो नोमैड्स होते हैं, जो ऐसे वेस्टर्न एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे कुछ टफ प्लांट्स हैं, जहाँ पे हार्श प्लांट्स हैं, जो सिर्फ उनके शीप या हर्ड्स के लिए हैं, और
यानी कि जिसको सिर्फ जो शीप होता है वो ग्रेस करता है, यानी कि वो उसको खाता है, उसका चारा होता है। और जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कम बारिश होती है, पानी की मिकदार कम है, या फूड के जो रिसोर्सेज हैं, जो फूड सोर्सेज हैं वो कम हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो नोमैडिक पीपल कहलाते हैं। नोमैड्स होते हैं वो, क्या है कि उनका अपना कोई ऐसे घर नहीं होता, वो सीजनल मूवमेंट करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था पीछे कि वो जैसे कि हॉट सीज़न आएगा ना, गर्मी आएगी बहुत ज़्यादा, जब तो उस एरिया के अंदर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी कि फूड सोर्सेस कम हो जाएंगे, गर्मी होगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और कोई पानी नहीं होगा वहाँ पर, या यू कैन से अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी देयर। तो वो अपने जो एनिमल्स होते हैं, ये जो नोमैड्स होते हैं ना, मोस्टली इनके पास बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े, गोट, शीप्स, और इनके पास डिफरेंट टाइप्स के जो डॉग्स हैं वो भी इन्होंने रखे होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। तो ये अपना खेमा जो होता है, टेंट वगैरह, और अपनी फैमिली और अपने जो इनके एनिमल्स होते हैं, इनको ले के हॉट सीज़न में ये ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, ऐसी लैंड, जैसे लाइक गर्मी के मौसम में ये नारान, कागान और इन एरियाज़ में ये मूव करते हैं, जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ पे इनके मवेशियों के लिए काफ़ी सारा चारा होता है, पानी होता है, और इनके अपने के लिए भी फूड के सर्वाइवल होता है। लाइक ये मूवमेंट कर सकते हैं अपने खाने पीने की अशिया के लिए, ठीक है। ये फिर जब ये वहाँ पे बर्फबारी हो जाती है, जब वहाँ पे वेदर बहुत ठंडा हो जाता है, तो जो इनका अपना एरिया होता है वहाँ पे वेदर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे लाइक इनके हर्ड्स के लिए कुछ टफ प्लांट्स उग आते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा वहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम पढ़े थे, द वेस्टर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली हाई लैंड व्हिच गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, इट इज़ ऑफ लिटिल यूज ऑफ क्रॉप्स फार्मिंग, पीपल हियर ऑफन हैव हर्ड्स द शीप्स एंड गोट्स एंड इन द ड्राइयर सीजन्स हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड फॉर द एनिमल्स। के यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ पे कम रेनफॉल होता है, और ये क्या करते हैं कि ये ड्राइयर खुश्क मौसम में ट्रैवल कर जाते हैं दूर दूर के इलाकों में, किस लिए, इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर एनिमल्स एंड फॉर देयर सेल्फ ऑल्सो, फॉर देम सेल्स ऑल्सो। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, इन द साउथ आर द डेजर्ट ऑफ सिंध इन बलूचिस्तान, द थर्ड डेजर्ट विच एक्सटेंड्स फार इन टू इंडिया। अच्छा, साउथ में क्या है, डेजर्ट्स हैं सिंध और बलूचिस्तान में, द थर्ड डेजर्ट है एंड एक्सटेंड फार इन टू, जिसका कुछ हिस्सा इंडिया में है, एंड द थर्ड डेजर्ट इन द इंडस वैली। इन द नॉर्थ ऑफ बोथ पाकिस्तान इन इंडिया आर द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में जो है पहाड़ी सिलसिले हैं, दुनिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले, दीज आर द हिमालयस। इन द ईस्ट विच, आपने हिमालय के बारे में पहले भी पढ़ा है, विच मर्ज इन टू द कराकरम एंड हिंदूकश, जो मर्ज होता है दो बड़े पहाड़ी सिलसिलों के साथ, कराकरम एंड हिंदूकश। रेंजेस इन द वेस्ट, द हाइएस्ट पॉइंट इज़ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट, यहाँ से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड, यू कैन टेल द आंसर, माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल, ठीक है। इट इज़ 8,848 meters हाई एंड इट एक्चुअली ग्रोइंग सेवरल सेंटीमीटर्स आई है, बिकॉज द अर्थ क्रस्ट इज़ स्टिल मूविंग। अच्छा जी, यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट भी पता चल गई है, 8,848, ये आपका MCQs आ सकता है, सो आपने इसको जहन में रखना है, याद रखना है इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर इन द इंडस वैली। आप पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चरल यानी कि आप पाशी वाले एरियाज़ हैं वो कहाँ हैं, इंडस वैली के करीब हैं। मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव इन द प्रोविंसेस ऑफ द पंजाब, 55% इन सिंध, 30%
अच्छा, ये 2006 का फिगर है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 55% जो है वो पंजाब में रहती है और सिंध में 30%। ये 2006 का फिगर है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ दिस रीजन इज़ इरिगेटेड बाय अ वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम दैट यूजेस वाटर फ्रॉम द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रीब्यूटरीज होता है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स। दिस एरिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फर्टाइल, प्रोड्यूसिंग द बल्क ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो मोस्टली एरियाज़ हैं वो इंडस वैली के, यानी कि इंडस वैली जो है उसके करीब बहुत ज़्यादा आबादी है। क्यों? क्योंकि वो वेल इरिगेटेड एंड वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम है वहाँ पर, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ हैं। और कैनाल जो है वो मेन मेड है, नेचुरल नहीं होता, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है और फिर वहाँ से डिफरेंट जगह पर उसको सर्व किया जाता है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। ट्रीब्यूटरीज होता है छोटी छोटी स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियाँ, और ये एरिया जो है वेल इरिगेटेड है और यहाँ पे बल्क ऑफ एग्रीकल्चरल यानी कि आबपाशी जो है उसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि लाइफ की जो है लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत सारे जो ज़राए हैं, लाइक पानी से आप फसलें उगा सकते हो और आपके फूड के बहुत सारे ज़राए जो हैं वो पानी से रिलेटेड हैं। दैट्स वाई वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। जियोग्राफिकल टर्म, दीज आर सम टर्म्स दैट यू विल रीड अबाउट इन जियोग्राफी, दे डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स फाउंड ऑन अर्थ। जियोग्राफिकल टर्म्स क्या हैं आपके? माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्योस और फ्लैट्स, ठीक है, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स। सो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। दीज आर द हाइस्ट लैंड्स, माउंटेन्स, दीज आर द हाइस्ट लैंड। देर इज़ नो फिक्सड हाइट इन विच अ हिल बिकम्स अ माउंटेन, बट माउंटेन्स आर यूजअली अबव 2,000 to 3,000 meters। सम माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज और कराकोरम्स आर शार्प और पॉइंटेड। दिस मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी दे आर यंग माउंटेन्स बिटवीन 1.5 to 66 million years old। ऑल्डर माउंटेन्स हैव हैड देयर शार्प पॉइंट्स वर्न अवे बाई रेन्स, फ्रॉस्ट एंड विंड सो दैट दे आर मोर राउंडेड। अच्छा जी, यहाँ पे हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ें कि माउंटेन्स जो हैं हाइस्ट लैंड्स हैं, लेकिन क्या है कि इनकी कोई फिक्स्ड हाइट नहीं है। डिफरेंट हाइट हो सकती है, 2,000 से 3,000 तक भी मीटर्स हाई हो सकता है। और इसके अलावा सम माउंटेन्स आर शार्प पॉइंटेड लाइक उनके, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपनी पेंसिल से अगर आपको बना के दिखाती हूँ लाइक इस तरीके से, ठीक है, यानी कि उनकी जो टॉप होती है वो बड़ी शार्प सी होती है। और इनको क्या कंसीडर किया जाता है? यंग माउंटेन। और इसके अलावा एक जो थोड़े फ्लैटी होते हैं उनको, लाइक इनकी टॉप जो है थोड़ी इस तरीके से होगी, तो इनको क्या कहते हैं? ओल्डर माउंटेन। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यंग माउंटेन्स, लाइक ये इसका शार्प पॉइंट है, और ये आप देख सकते हैं ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। हिल्स, अच्छा जो हिल्स हैं उनकी हिल्स बिकम्स अ माउंटेन, यानी कि हिल्स जो होती हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। बिकम्स अ माउंटेन यानी कि जैसे ही अर्थ की रिवोल्यूशन होती है तो इनका भी हाइट एंड साइज बढ़ता जाता है और ये माउंटेन पहाड़ बन जाते हैं। हिल्स दीज आर लैंड्स अबव सी लेवल बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स। ये क्या है? समंदर से थोड़ी ऊँची जगह है, लेकिन क्या है, ऐसे जैसे माउंटेन जैसे पहाड़ हाइट पे होता है वैसे नहीं है। दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन सच एज ग्रास, ट्रीज, फार्म क्रॉप्स और टेरेस्ड फील्ड्स। यानी कि ये जो हिल्स हैं वो ग्रासी एरियाज़ होते हैं, ग्रीनिश पार्ट होता है जहाँ पे कुछ कुछ वेजिटेशन है, कुछ पौधे हैं, कुछ प्लांटेशन है। प्लेट्यू, दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल। सम प्लेट्यूज आर फर्टाइल वाइल अदर्स आर पुअर लैंड, इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा। अच्छा, प्लेट्यूज क्या हैं? ये फ्लैट एरियाज़ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फ्लैट एरियाज़ हैं, अबव सी लेवल हैं या उसके साथ साथ हैं, तो सारे ही फर्टाइल नहीं हैं। कुछ फर्टाइल हैं और कुछ पुअर लैंड है। क्यों पुअर लैंड है? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती और आप प्लांटेशन या वेजिटेशन वहाँ पर नहीं कर सकते, या वहाँ पे एनिमल लाइफ सर्वाइवल कम है। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्लेन्स।
These are areas of flat land at lower level. Some are at sea level or slightly higher. The plains are important as this is where most farming takes place. अच्छा, जो plains हैं वो important places हैं क्योंकि वहाँ पे आप farming कर सकते हैं. ये sea level के करीब है और वहाँ पे पानी जो है वो enough है, जिसकी वजह से वहाँ पे plantation हो सकती है, कोई भी agricultural products जो है वो आप वहाँ पे grow कर सकते हैं. Deserts, these are areas where nothing or only rough plants can grow. There are hot deserts where the temperature is very high. During the day there is very little or no water, or else the soil is very poor for anything to grow. There are also cold deserts called tundra, where the climate is too cold for vegetation. These can be found on high mountain top or in polar regions. अच्छा, यहाँ पे deserts क्या है? Deserts जो है वो mountain के top पे भी हो सकते हैं और polar regions में भी हैं. और यहाँ पे क्या है कि temperature जो है वो बहुत high रहता है, जिसकी वजह से weather dry होता है और कोई भी suitable climate नहीं होता. Vegetation के लिए कोई plantation नहीं हो सकती, ना ही वहाँ पे animal survival है. यानी कि वहाँ पे पानी भी कम है और ग्रीनरी भी कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल कम है, ह्यूमन बीइंग्स का भी और एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी. सो लेक्स, दीज आर इनलैंड सीज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. लेक्स कैन हैव इधर फ्रेश और साल्टी वाटर. लेक्स क्या है? इन बिटवीन द लैंड है. लाइक्स, लेक्स के इर्द गिर्द जो है वो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है. समटाइम लेक्स का पानी जो है वो फ्रेश होता है और समटाइम ये साल्टी वाटर होता है, लाइक उसमें नमकियात ज़्यादा होती है. रिवर्स, दिस इज़ फ्लोइंग और मूविंग वाटर. दिस कैन बी टाइनी स्ट्रीम्स और माइटी रिवर्स मेनी किलोमीटर्स वाइड. द वाटर इन रिवर्स इज फ्रेश एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर दे एंटर द सी. अच्छा, रिवर्स जो हैं वो क्या हैं? एक वाइट प्लेस हो सकती है या स्ट्रीम्स, नदियाँ भी हो सकती हैं पानी की, और इनका पानी फ्रेश भी हो सकता है, लेकिन एक सूरत में फ्रेश नहीं होता. कहाँ पर फ्रेश नहीं होता? वेयर दे एंटर द सी, जहाँ वो समंदर में एंटर होते हैं. सो नेक्स्ट पेज, estuary. This is where important rivers when widen as they enter the sea, estuaries can make good harbors for ships. अच्छा, estuaries ऐसा इलाका है जहाँ पे rivers जो हैं वो enter होते हैं sea में, समंदर में. और आपको पता है कि जहाँ पे river या समंदर होता है तो वहाँ पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे harbors for ships. harbor होता है basically ships, यानी कि कश्ती खड़ी करने की जगह. ठीक है, शिप्स, जहाज, समंदरी जहाज, तो ये हार्बर्स वो इलाका है. सो डेल्टा, समटाइम्स व्हेन अ रिवर एंटर्स द सी इट ब्रेक्स इनटू मेनी स्मॉल रिवर्स और चैनल्स इन अ वी शेप. द लैंड हियर कैन बी वेरी फर्टाइल बिकॉज द मड ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, बट इट इज़ आल्सो वेरी लाइबल टू फ्लडिंग. अच्छा, ये आप देख सकते हैं डेल्टा, यानी कि जहाँ पे समंदर जो है मेनी पार्ट्स में, दरिया जो है मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और कुछ वी शेप्ड लाइक इस टाइप का जो है चैनल्स बन जाएं, और ये लैंड जो है फर्टाइल भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है, लेकिन ये जो है फर्टिलिटी के लिए, वेजिटेशन के लिए थोड़ा डेंजरस भी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फ्लडिंग का, सैलाब आने का ख़तरा होता है. सो बच्चों, आज का हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ. अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई. मैं आपको आपके लिए उसको रिपीट कर दूंगी. और ज़रूर ये बताया करें आई हैव डन का कमेंट करके कि आपने ये लेसन देख लिया है, क्योंकि अब आप अगर ये लेसन नहीं देखेंगे, आपके जो क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं कि लेसन नहीं आया या क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो वो बड़ा इरिटेट करते हैं. सो जो बच्चा लेसन देखेगा वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करेगा आई हैव डन, ताकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बन जाए जो ये लेसन देखते हैं. ठीक है, और आप जब ये लेसन पढ़ लेंगे, इसमें से MCQs या ब्लैंक्स जो आपको आएंगी तो वो आपके लिए आसानी होगी. जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.